उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतिभाशाली युवक ने कमाल कर दिया, जो अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड के गौली महर गौजानी गांव निवासी सुमित नगरकोटे की, जो आगामी 15 अप्रैल से नीदरलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि इस प्रतियोगिता में सुमित भारत की ओर से ऊंची कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। उनकी इस अभूतपूर्व उपलब्धि से जहां उनके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं उनके घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देवभूमि दर्शन से खास बातचीत में सुमित ने बताया कि वर्तमान में वह राजकीय इंटर कॉलेज लमगड़ा में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। उन्हें बचपन से ही खेलकूद में रुचि है, जिस कारण वह पढ़ाई के साथ ही खेलकूद में भी हिस्सा लेते रहते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपने विद्यालय का नाम रोशन करने के साथ ही वह राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल सहित कई पदक अपने नाम कर चुके हैं। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने के उपरांत उन्होंने बीते दिसंबर माह में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आयोजित हुई 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय एथलेटिक्स चैंपियन में प्रतिभाग किया था। बता दें कि इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए समूचे देश में दूसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने जिले और प्रदेश का मान बढ़ाया है, बल्कि नीदरलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया। बताते चलें कि एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुमित के पिता गोपाल सिंह नगरकोटी जहां गांव में ही खेतीबाड़ी कर परिवार की आजीविका चलाते हैं, वहीं उनकी मां चंपा देवी एक कुशल गृहिणी है। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुमित का पहाड़ के एक छोटे से गांव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का यह सफर वाकई राज्य के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।